स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की। यह बैठक रविंद्र भवन में आयोजित की गई, जहां उपायुक्त, एसडीओ, एसएसपी सहित सभी एसपी, डीएसपी सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया गया कि शोभा यात्रा के रूट में परिवर्तन करते हुए मानगो की ओर से आने वाले शोभा यात्रा को मानगो ब्रिज पार करने के बाद पुराना कोट सड़क से धालभूम क्लब होते हुए आम बगान मैदान पहुंचेगा। वही विधि व्यवस्था के मद्देनजर पूरे शहर में 2000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार का हो हल्ला ना हो। वहीं आम बगान मैदान में विशेष पुलिस व्यवस्था की गई है, जहां मानगो, गोलमुरी और जुगसलाई से आने वाले शोभा यात्रा पहुंचेगी। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मानगो तरफ से जो डेपुटेशन हुआ है, उसमें मानगो बस स्टैंड, शायद मुझे लगता है पहले बताया गया होगा, मानगो बस स्टैंड के बाद में जो रूट लाइन है वो चेंज की गई है। जिन जिन का डेपुटेशन हुआ है वो डेपुटेशन ऑर्डर चेंज किया गया है, और उसमें ये चीज़ है कि मानगो बस स्टैंड के बाद जो एमजीएम हॉस्पिटल की तरफ से जो जाना था, वो सीधा एमजीएम हॉस्पिटल की तरफ ना जा करके आपका बस स्टैंड से आपका जो ये और आपका ओल्ड कोर्ट वाला जो पॉइंट है, जो धालभूम क्लब की तरफ, उसको बैरिकेडिंग कर दिया गया है और सीधा निकल करके बंगाल को सारा उसी हिसाब से जिनका जहां पहले डेपुटेशन था उस पॉइंट। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।